Yo, what's up guys? कैसे आप सभी लोग? Welcome back to a new gameplay series. तो आज से हम लोग खेलने जा रहे हैं Palworld. तो देखो guys, आप लोगों ने लाइफ में कभी ना कभी Pokemon तो देखा ही होगा, वही अपने Pikachu, Charizard, Bulbasaur. तो हाँ guys, ये गेम बिल्कुल Pokemon जैसा है, या फिर आप लोग कह सकते हो कि ये Pokemon एंड Minecraft दोनों का मिक्सचर है, क्योंकि इस गेम में हमें एक बहुत बड़े ब्यूटीफुल से वर्ल्ड में उतार दिया जाता है, जहाँ पर चारों तरफ हजारों टाइप के क्रिएचर्स है. कोई बहुत ज्यादा खतरनाक है तो कोई बहुत प्यारे भी है, कोई बहुत बड़ा और वीक है तो कोई बहुत छोटा और बहुत पावरफुल भी है. और तो और इस पूरे के पूरे वर्ल्ड में अलग अलग आइलैंड्स पे हैं बहुत खतरनाक मॉन्स्टर्स. बड़ा यार जो भी है, मजा बहुत आने वाला है, क्योंकि अब हम लोग खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट विद पोकेमॉन्स. तो चलो फिर टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से चलते हैं Palworld में. ऑलराइट गाइस, तो गेम स्टार्ट करने से पहले हमें अपना कैरेक्टर क्रिएट करना होगा. तो यहाँ पर काफी सारे ऑप्शंस हैं, मैं ये चूज कर सकता हूँ, ये चूज कर सकता हूँ, ये चूज कर सकता हूँ, बट नहीं, मुझे एक मेल कैरेक्टर चाहिए. तो मेरे पास ऑप्शंस हैं, ये है, ये है, ये भी है, और भाई ये थोड़ा सा डेंजरस है. दादाजी विद 8-pack abs, देख रहे हो तुम बॉडी? ये चूज कर लो यार, लुक वुक भी बहुत खतरनाक सी है. बट नहीं यार, मुझे एक कूल डिसेंट बॉय चूज करना चाहिए, एकदम शरीफ सा. वैसे बॉडी शॉडी तो इसकी भी है, तो ये ठीक है. फेस मैं चूज करूंगा, अगर मैं इस पे लड़की वाला, छी भाई ये देख रहे हो तुम? नहीं, मुझे ये कैसा है? बियर्ड थोड़ी सी मैचिंग तो हो रही है इसके. भाई ये भी वैसे काफी कूल सा है, और ये एकदम गुस्से वाला. अबे नहीं यार, ये चाहिए मुझे, देख रहे हो भाई आईब्रो पे क्या कट लगा है, और दाढ़ी भी फुल बढ़िया. चलो ये तो एकदम परफेक्ट हो गया. आईज मुझे नहीं लगता कि मुझे चेंज करनी चाहिए, अगर मैं इसे हटाई दूं तो खतरनाक लग रहा है. आईज को मैं इसे उल्टा कर सकता हूँ. नहीं यार, आई थिंक आई अपनी बढ़िया है. आई कलर मैंने एकदम लाइट स्काई ब्लू कर दिया भाई. आईब्रो एंड हेयर कलर यार ब्लैक रखते हैं ऑब्वियसली. लास्ट में आता है हेयर्स में भी काफी सारे ऑप्शन है, बट मुझे ऐसा कुछ खास दिख नहीं रहा यार. ये वाला कर देगा यार, ये भी काफी सही दिख रहे हैं, तो फिर इसमें कलर मार देते हैं. चलो डन, अपना कैरेक्टर फुल रेडी है. ओके, शायद से हम लोग सो के उठे और हमें कोई 2-3 पोकेमॉन्स देख रहे हैं. ओह, ये हमें देख के बेचारे डर के ही भाग गए. और मुझे देखने में ऐसा लग रहा है कि हम लोग किसी आइलैंड में पहुंचे जहाँ पे हमारी बोट बुरी तरह क्रैश हो गई और हम लोग जस्ट बेहोश होके उठे हैं. हमारे सामने टैप पड़ा हुआ था, उस पर लिखा है द टावर्स आर द की, उसी में कोई ट्रुथ छुपा हुआ है. ओके, कुछ तो हमें हिंट मिला है, कोई टावर है, वहां तक हमें पहुंचना होगा. ऑलराइट गाइस, तो गेम चालू हो चुका है और आते ही हमें कुछ टास्क, कुछ मिशन मिल गए हैं, बट वो मैं बाद में करूंगा. फिलहाल पहले चलकर देखते हैं कि आखिरकार कितना ब्यूटीफुल ये वर्ल्ड है इस गेम का. भाई क्या ही प्यारी वाइब है भाई, चारों तरफ से चिड़िया की आवाज आ रही है, एकदम सुकून वाला माहौल है. बट एक सेकंड, वो सामने ये इतना बड़ा ट्री है क्या ये? भाई कितना ज्यादा बड़ा ट्री है, तुम खुद देखो, वो एक माउंटेन है और उसके पीछे ये ट्री है. मैं सही बता रहा हूँ भाई, इस गेम में बहुत ज्यादा अजीबोगरीब चीजें हमें देखने को मिलने वाली है. बट फिलहाल हम लोग ढूंढते हैं कुछ पोकेमॉन्स को. ये जो ये जा रहा है ना, इसका क्या नाम है? चिकीबी. ये देखने में तो तुम्हें एक मुर्गी जैसा लग रहा है, बट ये मुर्गी वाला पोकेमॉन है, इसे मारूं क्या? हेलो, हाय चिकीबी, तू अटैक करती है क्या? हेलो, ओ तेरी अटैक करते हैं बहुत तेज. बस हो गया, सॉरी बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, गलती से मैंने मारा. अभी खत्म लड़ाई, हम दोनों के बीच में ओवर हो चुकी है. अरे मेरे भाई, तू पिट इधर, कुछ ज्यादा बोलेगा, ज्यादा निकल मार. मार दिया. चिकन मिला क्या? अंडा भी मिला और अपने को चिकी पी का वो मिला, लेग पीस. भाई ठीक है यार, इतना तो पता चल गया कि यहाँ पर कोई भी पोकेमॉन ढीला वीला नहीं है, सब लोग मेरे ऊपर अटैक करने आएंगे. और ये कौन सा पोकेमॉन है? कैटीवा. वैसे गाइस देखो, यहाँ पर ये जितने भी पोकेमॉन है ना, मैं इन्हें अपना बना सकता हूँ. आई मीन मुझे उसके लिए चाहिए होगा पोकेबॉल, ताकि मैं इन्हें कैप्चर कर पाऊँ. और पोकेबॉल बनाने के लिए मुझे पता नहीं क्या चाहिए होगा, बेसिकली मुझे क्राफ्टिंग बेंच बनाना पड़ेगा, एकदम माइनक्राफ्ट की तरह, जैसे क्राफ्टिंग टेबल बनाते हैं लकड़ी इकट्ठी करके, कुछ वैसा ही. फिलहाल के लिए मुझे ना कुछ लकड़ियां इकट्ठी करनी है, ताकि मैं एक फटाफट से क्राफ्टिंग टेबल बना पाऊँ. उस क्राफ्टिंग टेबल से मैं पोकेबॉल बना पाऊंगा और इन सभी पोकेमॉन को मैं अपना पेट बना पाऊंगा. फिर मैं जो बोलूंगा वो मेरे लिए करेंगे, मैं इनसे पोकेमॉन से फाइट करवा सकता हूँ, से काम मजदूरी सब करवाऊंगा मैं. तो चलो सबसे पहले हम लोग लकड़ियां तोड़ना चालू करते हैं. भाई देखो, अभी अपने पास कोई टूल नहीं है, तो मुक्के से ही हमें काम चलाना पड़ेगा, और हमारा स्टैमिना लेवल भी खत्म हो गया, तो कुछ नहीं करेगा. ठीक है, तो अभी हम लोग चलते हैं क्राफ्टिंग करने. ये है वर्क बेंच, जो कि मैं यहाँ पर बना सकता हूँ. लेट्स गो. और इसे बनाने के लिए मुझे 3-4 हथौड़ी मारनी पड़ेगी. खट 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 खट, लेट्स गो. वर्क बेंच बन चुका है, और इसके अंदर हम लोग देखो एक टॉर्च बना सकते हैं, और एक वुडन क्लब मतलब बेसबॉल बैट बना सकते हैं. पिकैक्स बना सकता हूं, जिसके लिए मुझे स्टोन चाहिए, और मैं स्टोन एक्स भी बना सकता हूं, जिससे मैं पेड़ वेड़ काट पाऊंगा. तो पत्थर तोड़ने का और पेड़ काटने के लिए मुझे पिकैक्स चाहिए, पेड़ काटने के लिए मुझे एक्स चाहिए. फिलहाल देखो यहाँ पे पत्थर तो पड़ा हुआ है, मैं मुक्के से तोड़ा फाड़ी करके पत्थर इकट्ठा कर सकता हूँ क्या? देखो थोड़ा बहुत तो हो रहा है.
भाई अगर मैं ऐसे तोड़ने लगा ना तो रात हो जाएगी और मुझे कुछ मिलेगा भी नहीं, तो बेटर यही है कि मैं स्टोन के टुकड़े ढूंढ ढांड के एक पिकेक्स बनाऊं। जरूरी नहीं है कि हमें पत्थर सिर्फ पत्थर तोड़ने से मिले, कुछ कुछ स्टोन के पीसेस देखो यहाँ पर गिरे भी हुए, तो ये उठा लेता हूँ। तो अभी अपना टास्क है कि मुझे एक पैल्स फेयर की टेक्नोलॉजी को अनलॉक करना है, तो ये अपना टेक्नोलॉजी सिस्टम, तो जो भी न्यू रेसिपीज है वो मुझे यहाँ पर दिखेगी। मेरे पास टोटल 12 पॉइंट्स हैं और मैं पैल बॉक्स को अनलॉक कर सकता हूँ, पैल्स फेयर को अनलॉक कर सकता हूँ, कैंप फायर को अनलॉक कर सकता हूँ, चेस्ट को अनलॉक कर सकता हूँ, बहुत सारी चीजें यहाँ पर, एक बेड भी अनलॉक कर सकता हूँ, ये बहुत काम आएगा भाई। तो बेसिकली ये सारी मैंने रेसिपीज अनलॉक कर लिया है और अब मैं इन सब चीजों को क्राफ्ट कर सकता हूँ, बट उनको क्राफ्ट करने के लिए जो जो मटेरियल मुझे चाहिए ना वो इकट्ठा करना ही पड़ेगा। तो पैल्स फेयर जिसके अंदर मुझे पोकेमोन पकड़ना है, उसके लिए मुझे चाहिए होता है वुड, स्टोन एंड एक पैलडियम फ्रेगमेंट जो कि मुझे पता नहीं कब में मिल गया। तो चलो इसे बना लेते हैं भाई, लेट्स गो। मैंने एक पोकेबॉल बना लिया है और अब बारी आ चुकी है पोकेमोन पकड़ने की। कहां पर है? हेलो गाइस, एक मिनट रुक जाओ। पोकेमोन पकड़ने के लिए ना मुझे एक डंडा बना लेना चाहिए, क्योंकि कोई भी पोकेमोन मैं तब पकड़ पाऊंगा जब उसकी हेल्थ कम होगी। तो डंडा बना लिया, जाके कोई बढ़िया सा पोकेमोन ढूंढते हैं, उसे डंडे से मारते हैं और फिर उसे पकड़ लेते हैं, ठीक है? क्योंकि मैंने सर्वाइवल गाइड में पढ़ा था कि किसी भी पोकेमोन को हम लोग तब पकड़ सकते हैं जब उसकी हेल्थ कम होती है। तो भाई देखो सामने मुझे कोई तो दिखा है, सामने पिंक वाले, इन्हें जाके पकड़ू क्या? ये ठीक ठाक दिख रहे हैं यार, मुझे ऐसे काम करने लायक है। ये है कैटिवा जो की लेवल 2 की है, और ये भी कैटिवा है। डर के भाग गए यार मेरे से, ये बेचारे डरपोक हैं थोड़े। अरे रुक रुक रुक, इतना भी नहीं मारूंगा, आखिर तेरे को पेट बनाना है। इधर आ, इधर डंडा खा, डरने की जरूरत नहीं है। इधर आ, हाँ डरने की जरूरत नहीं है। ओए अबे तू, मैं तेरे को मार नहीं रहा था कि तू ज्यादा डर ले। रुक जाओ, अब इसे पकड़ते, ये मारा बॉल और ये आ चुका है अपने गेस को। फर्स्ट पोकेमोन हमने कैप्चर कर लिया है, अपने पास आ गया और मैं इसे थ्रो कर सकता हूँ। ये देखो, ये रहा गाइस। अरे भाग कर, अब तो तू मेरा पोकेमोन है। एक मिनट, ओह मैं उस पे कमांड सेट है कि किसी पे जाके अटैक करे। रुक जा, नहीं फाइट नहीं करनी, मर जाएगा। वापस आ। भाई मैंने उसे मारा तो उसकी हेल्थ कम है। वैसे मैं इसको भी कैप्चर कर सकता हूँ, बट मेरे पास कोई भी पोकेबॉल नहीं है, तो उसे मारने का फायदा नहीं है। अरे ये तो मेरे पे गुस्सा हो रहा है, ओए पागल है क्या? नहीं लड़ना है मुझे तेरे से। इधर आ, तू नहीं मानेगा, तू मर, इसको मारता हूँ मैं। से दिमाग खराब कर रहा है। गाइस हमने फर्स्ट पोकेमोन एक ही बार में जाके कैप्चर कर लिया। मैं तो डर गया भाई, खाई में कहाँ गया मैं। वैसे इस गेम की कूल चीज ये है कि अपना जो प्लेयर है ना वो ऐसे दीवारों पे भी चढ़ जाता है, तो मैं ऐसे कहीं गिर विर जाता हूँ तो टेंशन वाली बात नहीं, मैं चढ़कर आ जाऊंगा। लेट्स गो। तो थोड़े बहुत पत्थर इकट्ठे कर लिया मैंने। अभी ना मुझे फटाफट से एक स्टोन पिकेक्स बनानी है, क्योंकि मुझे पैलियम फ्रेगमेंट और चाहिए होंगे, ताकि मैं और पैल्स फेयर बना पाऊँ और पोकेमोन इकट्ठे कर पाऊँ। पिकेक्स बनाने के लिए मुझे वुड चाहिए यार, वुड नहीं है यार मेरे पास, क्या बात हो गई यार, लकड़ी तोड़ो भाई। आज मैं पहला बंदा हूँ जो बेसबॉल बैट से लकड़ी तोड़ रहा है भाई। चलो, तो बहुत ही सारी मैंने वुड तोड़ डाली है, जितना स्टैमिना था सारा लगा दिया भाई पेड़ तोड़ने पे। और अब बन गई अपनी एक पिकैक्स जो कि मैं क्राफ्ट कर लेता हूँ। देखो इनिशियली तुम्हारा भाई बहुत सही तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है इस गेम में, और जिस हिसाब से मैं चल रहा हूँ मैं जल्द ही कुछ तगड़े तगड़े पोकेमोन पकड़ने की तलाश में निकल जाऊंगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। चलो भाई, तोड़ा फाड़ी करके काफी सारा यहाँ पर मैंने दोबारा से वुड इकट्ठा कर लिया, और अब मैं जाके बना लेता हूँ कुछ पैल्स फेयर। तो ये भी क्राफ्ट कर लेते हैं, लेट्स गो। एक और पैल्स फेयर क्राफ्ट कर लिया मैंने। वैसे गाइस एक सेकेंड, शायद से अभी मैं थोड़ा सा सही रास्ते पे आ चुका हूँ, क्योंकि सामने देखो भाई ग्यूमस करके, ग्यूमोस पता नहीं यार कैसे तो नाम है यहाँ पे, बट हाँ जो भी है ग्यूमोस करके मुझे दो नए पोकेमोन दिख चुके हैं। पूरे देखो कैसे चल रहा है भाई, इसको मारू क्या? देखो ये अपने बाकी दोस्तों से अकेला है, तो अगर मैं इसको भाई ये सब तो बच्चे से, सामने देखो मेमोरिस्ट है, ये देखने में एलिफेंट जैसा, बट इसका साइज कितना ज्यादा बड़ा है, और ये लेवल 38 का। इससे गलती से लड़ाई हो गई ना, ये पैर वैर रख देगा मैं मर जाऊंगा। हेलो, तू नॉर्मली तो नहीं मारता ना? हेलो, नॉर्मली काफी शांत है। बाकी मुझे यहाँ पर ना कोई तो एक चारिज़ॉर्ड जैसा भागता हुआ दिखा था। वो रहा, इसको मारू क्या? हेलो चारिज़ॉर्ड, अबे चारिज़ॉर्ड नहीं, ये फॉक्स है, इसका नाम है फॉक्स पार्क्स। तो अगर मैं अपने पोकेमोन को यहाँ पे भेजूं तो वो उससे फाइट करेगा? उसको मार, रुक जाओ मैं इसे कमांड दूं क्या? मार 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 मार, ओ भाई मुक्के बचा दिए, बहुत सही, बहुत ही बढ़िया। ओए वो तो बहुत खतरनाक है, वो आग फेंक रहा है, ये फायर। अबे मुझे क्या मार रहा है? उससे लड़ाई करना है, मुझे मार रहा है भाई। ओ भाई ये पिट जाएगा मेरा कैटावी। कैटावी भी नाम नहीं है, ऐसा क्या है? कैटिवा भाई। इन दोनों की लड़ाई तो बहुत ज्यादा सही चल रही है, और वो डेंजर में आ चुका है, वो मर सकता है, उसके अंदर आग लग गई है। क्या मुझे उसे वापस बुला? अब वापस आ, तू वापस आ, तेरे को तो मैं मेरे पोकेमोन को मारेगा। मेरे इधर आ, मुझे भी मार रहा है, अबे जल जाऊंगा मैं तेरी ऐसे की तैसी। ले ले इसको पकड़ लेता हूँ, इसको पकड़ लेता हूँ, मार फायर। ओह बच गया, इधर आ, ये ले गाइस, काश ही आ जाए। कैप्चर रेट 73%, और ये कैप्चर होता हुआ लेट्स गो। हम लोगों ने एक और
एक और पोकेमोन कैप्चर कर लिया है। भाई अभी मजा आना चालू हो गया है। यहाँ पर मुझे बहुत सारी चीजें अभी इकट्ठी करते जाने, क्योंकि मुझे बहुत सारे पोकेमोन इकट्ठे करने। ये कौन सा है भाई? ये थोड़ा सा पेंगुइन टाइप है, और ये जो छोटे वाले पोकेमोन है ना, नॉर्मली मुझे देख के भागते हैं, बट इनसे फाइट करता हूँ ना तो भाई मारने तो लगते हैं। बाकी यहाँ पर तो और मुझे कोई नया, ओ वेट इधर एक चेस्ट है। ओ अलग अलग चीजें मिली मुझे, और एक मुझे पॉकीबॉल मिल गई। तो वो जो नीला वाला पॉकीमन भागा था, क्यों ना मैं उसे पकड़ लूं। मुझे नए 3 पॉकीबॉल मिल चुके हैं उसमें से। भाई वैसे भी उसको जो पेंगुलेट, हाँ वो पेंगुइन जैसा ही, उसका नाम पेंगुलेट है। भाई पेंगुलेट रुक जा, नहीं कह रहा कुछ, भागे जा रहा है मुझे देख के। ओ तू वापस आ, तेरी हेल्थ बहुत कम है। अबे पेंगुलेट रुक जा भाई मेरे फट्टू, इधर आ। इसको बताता हूँ अभी, इसकी फाइट मैं कराता हूँ फॉक्स से। मार फॉक्स इसको। वैसे इसकी हेल्थ बहुत कम है फॉक्स की, बट ठीक है मेरी हेल्प करेगी। अबे मार मार, अबे खाई में ना चले जाइए। बढ़िया, बहुत ही सही अटैक कर। ओए ओ भाई, ओ भाई, ये अटैक किसने करा? छोटू ने। तू बेटा बर्फ बर्फ फेंकता है, हैं? बर्फ फेंके, बर्फ फेंकेगा। बेचारे को हम लोग मिलके मार रहे हैं यार। मैंने अपना पॉकेबॉल भी छोड़ा हुआ और डंडे भी मार रहा हूँ। चल वापिस आ जा तू, अब मैं इसको अकेले पकड़ता हूँ। इधर आ जा, कैप्चर कैप्चर कैप्चर, 49%, प्लीज कैप्चर हो जा, प्लीज कैप्चर हो जा। 74, 75, लेट्स गो, एक और पॉकेमोन। भाई तुम्हारा भाई आज ही सारे टास्क कंप्लीट कर देगा। हमारा टास्क है कि हमें पैल बॉक्स बनाना है, और जहाँ पर हम ये बनाएंगे वही अपना बेस बन जाएगा। और पैल बॉक्स वो बॉक्स है जहाँ पर हम लोग अपने पैल्स यानी पॉकीमोन्स को रखेंगे। बाकी एक नया घोंचू सा कोई तो पॉकीमोन है, इसको तो मेरे को लगता भी नहीं किसी को भेजने की जरूरत है, पर फिर भी मैं अपनी फॉक्स भेज देता हूँ। मार इसको भाई, फॉक्स जब से मिली है ना जिंदगी आसान होगी। देखो क्या मस्त फायर फेंकती है। ओए वापस आ, वापस आ। तेरी ऐसे कितने से हमला करता है। जा जा कैटिवा, मार इसको थप्पड़ी थप्पड़। अबे पानी पानी में जाके लड़ाई नहीं करनी, गलत बात है। अबे भाई ये क्या कर रहा है तू? इधर आ, देखो समझ नहीं आ रहा। पानी में लड़े, पानी में लड़े, पानी में। अरे मारना नहीं, मैंने उसकी हेल्थ लो करी थी। मेरा पिंक वाला पोकेमोन कैटिवा कूदी और से मार दिया बेचारे को। पागल है तू, इधर वापस आ जा। वैसे गाइस हाँ यार, देखते ही देखते रात होने वाली है, शायद से मुझे अपने बेस पे वापस चल के बेड बनाना चाहिए, और आज के लिए मुझे सो जाना चाहिए, क्योंकि अंधेरा हो गया ना तो भाई फिर कुछ पता भी नहीं चलेगा कौन से मॉन्स्टर आ जाएंगे और मेरी कुटाई चालू हो जाएगी। वैसे एक सेकंड, मुझे ज्यादा डरने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि मेरे पास मेरी सेफ्टी के लिए पोकेमोन है। बट ये कौन सा पोकेमोन है भाई? काफी क्यूट है भाई। हेलो भाई, इसका लेवल 15 का डायनोसम, मैं इससे पंगा नहीं लेने वाला भाई। ये देखने में बहुत शरीफ है, बट मुझे लगता है ये तुड़ाई कर देगा। क्या एक बार भेज के देखूं मैं? मार इसको, दे मुक्का मुक्का। गुस्सा आ गया उसे। ओबे तेरी, मर गया वो। वापस आ मेरे पो, आ भागो। सॉरी सॉरी, नहीं 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 नहीं, अरे मेरे भाई मैं कभी नहीं आ रहा। चढ़ 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 चढ़, भाग 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 भाग। ओपे भाई उसे गुस्सा चढ़ गया। अबे नहीं यार, सॉरी ना। अबे यार भाग भाग, चिची की पिटा, क्या नाम था इसका? आ भाग 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 भाई, मेरी पिटाई होने वाली बहुत गलत। वो मेरे पीछे आ रहा है बहुत तेज। भाग 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 भाग, कूद कूद के भाग, कूद कूद के भाग। एक सेकंड, बच गया मैं शायद से। वो आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा, ऐसा क्यों लग रहा है कि वो मेरी तरफ आ रहा है? यार मत आ यार, यार एक बार छोड़ दे भाई, गलती से मैंने फेंका था। गाइस मुझे यहाँ से ना दूर चले जाना चाहिए कहीं। अपना खाने पीने का सामान है भाई, अपने पोकेमोन को खिला के रखता हूँ। बाय चांस लड़ाई हुई ना, इसका मुंह तोड़ दूंगा मैं। हल्के में ले रहा है क्या ये? फिलहाल अभी मुझे अपना एक बेस बनाना है सबसे पहले, और जैसा कि मैंने बताया था कि जहाँ पर मैं अपना पैल बॉक्स रखूंगा वही मेरा बेस बनेगा। तो एरिया तो पीछे वाला भी अच्छा है, बट मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना ये सामने वाले एरिया पे बेस बना लिया जाए फिलहाल के लिए। मुझे सच में वाली लोकेशन बहुत ज्यादा सही लग रही है, तो मैं अपना बेस यहीं पे बनाने वाला हूँ। ये जो मिट्टी वाला एरिया यहाँ पे, तो पैल बॉक्स बनाना होगा ना। तो टेक्नोलॉजी में चल के पैल बॉक्स मैंने अनलॉक कर लिया था, तो बिल्ड करते हैं एक पैल बॉक्स। ये रहा, इसको बिल्ड करने के लिए जो जो सामान चाहिए मेरे पास सारा का सारा है, तो ये मैंने बना दिया। एंड अभी से मुझे हथौड़ी मार मार के क्राफ्ट करना होगा। यार यार रात हो गई है भाई, मुझे बेड लगा के सुबह करनी है सो के। लेट्स गो, पैल बॉक्स क्रिएट हो चुका है। और पैल बॉक्स मैनेजमेंट मेन्यू देखो गाइस, मैं इसके अंदर अपने पोकेमोन तो रख सकता हूँ। अभी बस 2-3 ही है, तो मैं अपने पास भी रख पा रहा हूँ, बट जब 50-60 हो जाएंगे तब मैं इस डब्बे के अंदर रख पाऊंगा। इसको अपने पास ही रखता हूँ, कभी भी फाइट होगी तो उससे मैं फेंक दूंगा। बाकी हाँ, तो मुझे ऐसे 5 पकड़ने हैं, एक मैंने पकड़ लिया है। नेक्स्ट टास्क है मेरा कि इंक्रीज योर प्लेयर लेवल बाय कैप्चरिंग 30 पैल्स। अगर मैं 30 पोकेमोन्स पकड़ता हूँ तो मेरा लेवल बढ़ेगा। और एक टास्क मेरा ये है कि मुझे एक चेस्ट बनानी है, ताकि ये जो पैल्स मेरे लिए काम ये मेरे लिए काम करेगा लकड़ी इकट्ठी करने का या फिर पत्थर इकट्ठे करने का, तो मुझे उसके लिए चेस्ट बनानी है, ताकि वो सामान ला के रखे तो कहीं। तो चेस्ट बनाने के लिए मुझे जाना है स्टोरेज में, और मेरे पास इनसफिशियंट मटेरियल है क्योंकि मेरे पास वुड नहीं है। तो सबसे पहले वुड इकट्ठी करनी होगी। वुड 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 वुड, पेड़ काट दे क्या?
लाओ भाई लकड़ी काटना चालू करे। भाई इस तरीके से तो ना बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। थोड़ी बहुत लकड़ी कटी है, इस लकड़ी से मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले वो बना लेता हूँ। यार एक्स बनाने के लिए भी दो लकड़ी चाहिए। यहाँ पे पड़ी हुई है एक लकड़ी, ये उठा लेते हैं। भाई एक बार इस तरफ देखो यार, सारे के सारे पोकेमोन सो रहे हैं भाई। रात होते ही ये भी सो रहा है, ये भी सो रहा है, सब एकदम मस्त नींद मार रहे खर्राटे वाली। एक बार ध्यान से सुनो कैसे खर्राटे आ रहे हैं। वैसे क्यूट तो है यार ये, यार छोटे वाले पोकेमोन सही में बहुत ज्यादा क्यूट है। गाइस एक सेकंड यार, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तूफान आ रहा है। पानी, अच्छा ये पानी की आवाज थी, वहाँ वाटरफॉल था ना, मेरे को लगा कि बहुत तेज आंधी तूफान आ रहा है। और रात में ये गेम थोड़ी सी तो डरावनी हो चुकी है। तो ठीक है कि एक स्टोन एक्स बना लेते हैं सबसे पहले। डन भाई, एक स्टोन एक्स बन गया है। इस स्टोन एक्स से ना थोड़ी बहुत लकड़ी तोड़ लेता हूँ मैं। चलो पूरा का पूरा पेड़ निकाल दिया हमने जड़ से। अब मैं एक चेस्ट तो बना पाऊंगा और इस चेस्ट को हम लोग रख देते हैं यहाँ पे। ठीक है डन गाइस, चेस्ट हमने बना के एकदम मस्त कंप्लीट कर दिया है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग शायद से ये जो पैल्स हैं ये उठ के काम करेंगे और इसमें सामान ला के रखेंगे। बाकी एक और चीज भाई, मून देखो यार किस तरीके से नीचे जा रहा है। मिशन कंप्लीट, पैल बॉक्स अपग्रेड अवेलेबल। ओके मैं पैल बॉक्स को अपग्रेड भी कर सकता हूँ क्या? ये अगर मैं इसे अपग्रेड मारूँ तो बेस अपग्रेड मैक्स पैल्स। ओ तो पैल की वर्किंग कैपेसिटी बढ़ गई। पहले मैं एक बंदे से काम करवा सकता था, अब मैं दो से काम करवा पाऊंगा। बट ये लोग को रात में सोने की आदत है तो ले भाई ये भी पलटी खा के सो गया। कोई बात नहीं, अभी सो लो, तुम सुबह उठ के काम करना। बट ओके एक और टास्क है, बिल्ड शॉडी बेड। भाई मुझे रुक जा, पैल्स विदाउट बेड्स विल गेट स्ट्रेस्ड। मतलब अगर इनके लिए बेड नहीं होगा तो बहुत जल्दी थक जाएंगे, तो मुझे एक शॉडी बेड बनाना पड़ेगा। मैंने यार टेक्नोलॉजी में शॉडी बेड का, हाँ ये देखो शॉडी बेड के लिए मुझे वुड चाहिए, फाइबर चाहिए, सब है, बस वुड कम है। अरे सुबह हो गई, उठ गए। ओ भाई ये देखो काम करना चालू कर दिया इन लोगों ने, ये पत्थर लेकर आ रहा है। वाओ बिना अलार्म के वैसे ही बहुत जल्दी उठ गए, ये पत्थर ला रहा है। और ये कौन छा रहा है भाई? हेलो वॉन्डरिंग मर्चेंट। भाई ये गेम बिल्कुल माइनक्राफ्ट है। माइनक्राफ्ट में वॉन्डरिंग ट्रेडर आता है ट्रेड करने के लिए, यहाँ पे मर्चेंट आया है। देखो मैं इससे चीजें खरीद सकता हूँ, इसको बेच सकता हूँ। फिलहाल बेचने के लिए तो मेरे पास कुछ भी नहीं है यार, तो तू बाद में आइयो ठीक है, अभी मेरे पास कुछ है नहीं, आ जाइयो पर बाद में। भाई ये एकदम बढ़िया काम कर रहे हैं, देखो एकदम मस्ती मस्ती में लकड़ी वकड़ी इकट्ठी करके ला रहे हैं यार। तुमने कितना सामान रख दिया इसमें? भाई 6 लकड़ी ला के रख दी है। चलो सही है, अभी मेरे को टेंशन नहीं रहेगा, ये लोग अपना काम वाम करते रहें, मेरे को बढ़िया भाई बैठे बैठे चीजें मिलते रहेंगी। तो यार मुझे ना बस इनके लिए बेड बना देना चाहिए एक, तो बेड बनाने के लिए मुझे जाना होगा इंफ्रास्ट्रक्चर में। बट एक मिनट, इनसफिशिएंट मटेरियल। यार सचमुच में ये बहुत ज्यादा मेहनत से काम कर रहे हैं ये देखो। बाकी इससे मुझे काफी सारा वुड मिल गया है और अब मैं इनके लिए एक बेड बना सकता हूँ। तो ये है बेड, और बेड बनाने के लिए मुझे ओके बिल्ड इट इंडोर्स ऑन अ फाउंडेशन विद अ रूफ। ओह तो मैं इस बेड को ओपन में नहीं बना सकता हूँ, मुझे पहले एक घर बनाना पड़ेगा, मैं इस बेड को इंडोर ही बना पाऊंगा। अरे यार ये चीज तो मुझे पता ही नहीं थी। भाई देखो अभी ऐसा सीन है, तो मैं तुम्हारे लिए बेड बाद में बनाऊँ क्या? या फिर यार मेहनत कर रहे हैं मेरे लिए लकड़ियां ढूंढ ढूंढ के लाएंगे, तो थोड़ी सी लकड़ी इकट्ठी करके एक छोटा सा कमरा बना देते हैं। यार वैसे मेरा असली मन तो कर रहा है कि मैं फटाक से ना पोकेमोन पकड़ने निकलूं। छोड़ो गाइस सॉरी, मुझे तुमसे नहीं चाहिए काम, तुम्हें करना है करो, नहीं करना मत करो, थक जाते हो मेरी दिक्कत नहीं है। मैं जा रहा हूँ बहुत सारी पोकेबॉल बनाने, एकदम मैक्स जितनी दो ही बन सकती है। चलो तो दो पोकेबॉल बनाते हैं और निकलते हैं कुछ नए नए पोकेमोन पकड़ने के लिए। अभी मेरे पास टोटल 3 पोकेबॉल है और मैं निकल चुका हूँ, मेरे पास सारे है ना पोकेमोन। एक मिनट रुको यार, मैंने शायद से पाल बॉक्स में छोड़े हुए, तो 46 सेकंड में ये जिंदा हो जाएगी, उसके बाद अपने साथ हम लोग इसको भी लेके चलेंगे और कुछ नए पोकेमोन पकड़ कर लाते हैं यार आज। वैसे गाइस अपना एक टास्क और है कि मैं अपने स्टैट्स को इम्प्रूव कर सकता हूँ। ये देखो तो मेरे पास 3 स्टार्ट पॉइंट्स है और मैं इन्हें स्पेंड कर सकता हूँ अपने हेल्थ, स्टैमिना, अटैक, डिफेंस, वॉक स्पीड एंड वेट पे। तो वेट तो नहीं, बट मैं फिलहाल के लिए अभी इंप्रूव करूंगा अपना हेल्थ, स्टैमिना और अटैक, ये तीनों ज्यादा जरूरी है। बाकी इतनी देर में मेरा एक और पोकेमोन जो है हील हो चुका है, मेरे पास अभी 2 पोकेमोन है। चलो गाइस इन दोनों को लेकर निकलते हैं कुछ नए पोकेमोन पकड़ने के लिए और कुछ खतरनाक पोकेमोन पकड़ने के लिए जो कि बहुत ज्यादा डेंजर हो भाई। बाकी एक ये है पेंगुलेट, बर्फीला पोकेमोन है क्या ये? डंडा ले, डंडा ले, डंडा ले, सॉरी पेंगुलेट मेरे भाई है तू, मारो इसको। अबे जमा दिया भाई इसने, और डेंजर पोकेमोन है भाई ये तो, मारो इसे, मार फॉक्स, बढ़िया, अबे पिटाई होगी फॉक्स की, रुक जाओ, जा भाई कैटिवा मार दे इसको, थप्पड़ मार इसके मुंह पे। अबे क्या दोस्ती करने नहीं भेजा है? थप्पड़ बहुत सही, वापस आ, इसे कैप्चर करते हूँ मैं। हाँ आ जा 54% कैप्चर रेट, आ जा 77 78, लेट्स गो, हमने पकड़ लिया। अब इसको बताता हूँ, ज्यादा चौड़ा हो रहा था ना, अब मार इसे, मारना, 1v1 हो गई। मुझे क्यों जमा रहा है ये आदमी, इसकी ऐसी की तैसी। नीलू इसको मार दे, जिंदा मार इसे, ज्यादा चौड़ा हो रहा है, भाग यहाँ से, तेरा कोई काम नहीं है, वापस आ तू। मैं अगर इन्हें अपनी पॉकीबॉल में रखता हूँ ना तो ये लोग हील होते रहते हैं, तो इसलिए इन्हें वहाँ पे रखना जरूरी है। बाकी इन्हें मैं कुछ खिला पिला देता हूँ भाई, किस किस को भूख लगे, इसको भूख लगी है, ये ले मुझे भी लगे, मैं भी खा लेता हूँ। चलो गाइस सामने क्या है ये,
एक मिनट, मुझे ये चाहिए नाइट विंग। मुझे मुझे अच्छे से पता है मैं इसे नहीं मार पा सकता, बट क्यों ना गाइस इस पे एक ट्राई कर दिया जाए। भाई नहीं यार, मुझे मुझे डर लग रहा है यार, नाइट विंग मार देगा यार मुझे। लेकिन ये चाहिए यार। अभी तो फिलहाल वो मुझे कुछ भी नहीं कह रहा, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ लेता हूँ यहाँ से। यहाँ पर कुछ तगड़े पोकेमोन नहीं है क्या यार जो कि नाइट विंग को मार पाए? यार वो देख के ही ऐसा लग रहा है बहुत गंदी तरह मारेगा। इसने खुला एरिया रखा हुआ यार अपने घूमने के लिए। यार मुझे नाइट विंग चाहिए यार, बट उससे मरना भी नहीं है। ओ ये क्या है? कैप्रिटी। कैप्रिटी काफी क्यूट है भाई, बल्बासोर टाइप है। यार मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं फाइट अभी किससे लूं, कैप्रिटी से लूं या फिर नाइट विंग से लूं। यार देखो अगर नाइट विंग मैंने पकड़ लिया ना, मेरा दिल ऐसा खुश हो जाएगा ना कि मतलब हद पार है, पूछो मत। पर इस टाइम पे मेरा कोई भी पोकेमोन मेरे को लगता नहीं है नाइट विंग को मार सकता है। भाई नाइट विंग शायद से एक में ही सबको उड़ा डालेगा, मतलब एक में ही। इसको पकड़ लूं क्या यार? लिफमंक, ये क्या करती है भाई? ओए लिफमंक इधर आ, ये ले मार इसको, जब तक इससे लड़ मैं आ रहा हूँ। यहाँ पे एक देखो पोकेबॉल पड़ी हुई, उठा लेता हूँ। अरे तू क्या कर रही है लिफमंक, भागे जा रही है, इधर आ तू। ओए लिफमंक बंक क्यों मार रही है, इधर मार इसको। मैंने उसे थोड़ा पास भेजा है। यार वो अटैक ही नहीं कर रही, डरपोक है। तू वापस आ जा, वो डर। उई ये क्या है? एग है तो भाई, कोई तो एग मिला मुझे। यार देखो अभी भी मौका है मेरे पास उससे लड़ने का। कहाँ चला गया? चला गया वो। ओ नहीं नहीं नहीं, क्या वो देखो सामने घूम रहा है। हाँ तो मैं यही कह रहा हूँ कि अभी भी अपने पास मौका है इससे फाइट करने का, बट मुझे लगता नहीं है हमें करनी चाहिए, क्योंकि भाई वो खतरनाक है तो है, देख के पता चल रहा है भाई वो बहुत गंदी तरह मारेगा हमें। बट यार कोई तो स्ट्रैटेजी, कोई तो तरीका होगा कि जिससे मैं इसको मार पाऊँ। ओ वेट, यहाँ पर एक नहीं दो दो घूम रहे हैं, देखो वहाँ पर भी एक है। यार देखो नाइट विंग से पंगा लेने से पहले ना मैं सोच रहा हूँ कि ये कौन है, टेंजी। हाय टेंजी, इधर आ तेरी टेंजी की, ले। ओ भाई डेंजर है, ले। मैं तो मजाक में ले रहा था, मार 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 मार, मार। ओ अटैक अच्छा कर रहा है तू बेटे, ले 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 मार इसको, बढ़िया। चल 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 बस वापस आ तू, इसे कैप्चर करते हैं, आजा। कौन मारा? ओबे आया नहीं ये, इधर आइयो, बांध रहा है भाई ये मुझे, आजा। आ गया आ गया आ गया। ओपे भाई मेरी पोकेबॉल वेस्ट करवा रहा है बस तू, इधर आखिरी खा और इस बार आ जा भाई। इसने मेरी तीन पोकेबॉल वेस्ट, चार पोकेबॉल वेस्ट करा दी, मरी गया भाई वो, कैप्चर नहीं हुआ मर गया और ऑलमोस्ट मुझे भी मारता गया है। हील कराओ भाई, कितना घटिया पोकेमोन था भाई, कितना ही घटिया था, मेरी पूरी हेल्थ खा गया और कैप्चर भी नहीं हुआ। बट ठीक है यार, जो भी है मजा बहुत आ रहा है मुझे एक्सप्लोर करने में, मैं बस आगे बढ़ता जा रहा हूँ, फाइट करता जा रहा हूँ। लेकिन यार मुझे सच में चाहिए था ये पोकेमोन, मुझे अच्छा लग रहा था इसका अटैक करने का तरीका। फर्स्ट अटैक में ही उसके मैंने बोल दिया था कि भाई ये पोकेमोन अच्छा अटैक कर रहा है, मेरा तो भाई दिल आ गया था उस पर, उसने दिल तोड़ दिया। भाई एक मिनट, सामने कोई तो अजीब सा रास्ता यार, क्या मुझे उधर जाना चाहिए? यहाँ पर एक नहीं दो नहीं काफी सारे लिफमंक और आगे देखो कैपरेटी भी है। अरे एक मिनट रुको, मैंने पहले इस वाले रास्ते पे जाके देखता हूँ कि आखिरकार ये रास्ता कहाँ जा रहा है। भाई मैं पता नहीं कहाँ पर आ चुका हूँ, बट ये जो जगह है यहाँ पर एक बहुत बड़ा कासल है, वो भी टूटा हुआ। इसके अंदर कोई तो होगा भाई खतरनाक। ओए ये दोनों यहीं पर हैं। यार देखो अगर ये दोनों में से ये अकेला होता ना, मैं पक्का इससे फाइट लेता पक्का, बट ये दो दो हैं यार, इनसे लड़ाई करी ना ये दोनों मुझे मारेंगे। क्या करूँ यार, लड़ाई करूँ क्या इनसे? मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दोनों पावरफुल पोकेमोन हैं। देखो 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 कैसे खुशी खुशी भाग रहे, भेज दूँ क्या कोई? जा मार इन्हें, जमा दे एक को, बढ़िया। भाई डैमेज तो बिल्कुल नहीं जा रहा, उल्टा उनका ज़्यादा तगड़ा डैमेज है, बढ़िया। कर रहा है कर रहा है, कर दिखा कर दिखा। हाँ मुझे क्यों मार रहे हो बे? मैं मर जाऊँगा वापस वापस मत आ, वापस मत आ, तू लड़ाई कर रहा, मैं मर गया यार। क्या यार मैं अब कहाँ रिस्पॉन होऊंगा? मेरी फाइट हुई है यहाँ पे, मुझे अपने बेस पे रिस्पॉन होकर जाना पड़ेगा। ओ भाई नहीं 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 नहीं, मुझे रात होने से पहले अपने पोकेमोन को वापस लेकर आना ही होगा, तो जल्दी जल्दी चलना शुरू करते हैं यहाँ से। हट जाओ सबके सब, मेरे सारे पैल, मेरा सारा सामान वहीं पर गिर गया होगा जहाँ पर मैं मरा था, तो मुझे फटाक से वहीं जाना है। और वो जगह यहाँ से ज्यादा दूर नहीं थी, बट हाँ थोड़ी तो थी यार। यार नहीं यार, मुझे स्टार्टिंग में ना बड़े पोकेमोन से फाइट नहीं लेनी, स्पेशली जब वो दो दो घूम रहे हो तो। वैसे ऐसी बात नहीं है यार, मैंने अच्छी फाइट ली, आई मीन मेरे पोकेमोन बहुत सही तरीके से फाइट ले रहे थे, मेरी हेल्थ ऑलरेडी कम थी इसलिए मैं मर गया और फाइट खत्म हो गई। बाकी ये देखो भाई, ये दोनों नाइट विंग उड़ते उड़ते यहाँ पर आ गए हैं। इस गेम में ना हमेशा दो पोकेमोन एक साथ घूम रहे होते हैं, ताकि एक की फाइट हो तो दूसरा हमेशा साथ दे उसका।
पता नहीं यहाँ पर कुछ तो मिला है। ऑल डन गाइस, आधा रास्ता कंप्लीट हो चुका है, बट अभी मुझे आधा रास्ता और जाना है। यार सामने जो बड़ा सा टावर है ना, मैंने इधर जाके तो देखा ही नहीं कि आखिर वहाँ पर है क्या। वैसे गाइस मेरी ना बस एक ही रिक्वेस्ट है कि जितना भी मेरा सामान गिरा था प्लीज मुझे सारा का सारा वापस मिल जाए यार। बहुत बहुत ही मुश्किल से इकट्ठे करे थे मैंने पोकेमोन। ओके, सामने वो जो ब्लू कलर की लाइट जली है शायद से वही मेरी लास्ट डेथ वाली लोकेशन है जहाँ पे मैं बस पहुँचने ही वाला हूँ। भाई क्या ही बुरी तरह मारा था यार इन लोगों ने मुझे, सच में यार बेइज्जती फील हुई है। चलो सारा सामान मुझे मिल चुका है जो जो मेरा गिरा था। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि यहाँ से मुझे आगे बढ़ना चाहिए या फिर वापस अपनी बेस की तरफ निकलना चाहिए, क्योंकि यार मेरा टास्क ना एक कोई तगड़ा बड़ा पोकेमोन पकड़ने का था जो कि मैं अभी तक नहीं पकड़ पाया हूँ। पर अभी ना मेरी हेल्थ फुल है, हंगर बार कम था वो भी फुल कर लेता हूँ, मेरे सारे के सारे पोकेमोन की भी हेल्थ फुल है, तो मैं इस टाइम पर एक ना एक तगड़ी फाइट करके उस फाइट को जीत सकता हूँ। मैं गारंटी दे रहा हूँ भाई मैं कर लूंगा, पर ये मैं फाइट करने वाला हूँ किसी तगड़े पोकेमोन के साथ। भाई यहाँ पे बहुत सारे पोकेमोन गिरे पड़े हैं, सॉरी पोकेमोन नहीं, पोकेमोन के ये पाल्स फेयर जिसमें इन्हें मैं पकड़ सकता हूँ, बट सही बताऊँ तो कोई भी मुझे ढंग का पोकेमोन यहाँ नजर नहीं आ रहा यार। भाई एक मिनट, ये पानी के ऊपर क्या उड़ रहा है, ये कौन से पोकेमोन है भाई? इसका नाम है कैलरे, पता नहीं कैसे होंगे। उनको छोड़ो, सामने मुझे पिंक कलर का कोई तो पोकेमोन दिखा है और वो अकेला। यार इनसे तो फाइट हुई थी मेरी, दो है वहां पर भी, दो थे यहाँ पर भी, दो है, इनसे फाइट करने का फायदा नहीं है, ये मेरे को बहुत पीटेंगे। ओ एक मिनट, अभी मुझे कोई ढंग का पोकेमोन दिखा जिससे मैं एक्चुअल में फाइट करके इनसे जीत सकता हूं। मैं न्यू आइलैंड पे आ चुका हूं और ये है मार्श आइलैंड और ये एक न्यू पोकेमोन है जो कि रूबी। रूबी से फाइट करने के लिए मैं इसको अगर भेजू बर्फ वाले को, मार इसको रूबी को। बढ़िया, सही डैमेज जा रहा है, बढ़िया। मैं इसे हेल्प करता हूँ तेरे पीछे से, बढ़िया, बहुत सही, जीतेंगे हम लोग, जीतेंगे, वेरी गुड। मार देगा तू रूबी को, अबे सारी तो पत्थर में भिड़ गए। वापस आ, मर गई वो, मार ही दिया भाई पूरा। दूसरा आया, अपने पास अभी दो है तो दो से मैं फाइट करा सकता हूँ, बट ठीक है, अपना पैंगुलेट अच्छा पोकेमोन है भाई, वो अकेले सही लड़ लेता है। थोड़ी सी सर्दी होने लग गई है भाई फिलहाल, मैं इसको मारना चालू करता हूँ पीछे से। ओ भाई ये काफ़ी दोनों साइड से फाइट कर रही है। अब तू मार, अब मैं जल गया। अबे उसको मार, बस एक बार और अटैक कर उस पर, एक बार और अटैक कर, बस वापस आ जा। अब बारी है इसे कैप्चर करने की, आ जा। 100% कैप्चरेड भाई, रूबी को हमने ईजिली पकड़ लिया। लेट्स गो, थोड़ी मशाल बाहर निकाल लेता हूँ क्योंकि रात हो गई और सर्दी लगने लग गई है मुझे। खैर ठीक है, आज का दिन बढ़िया था, हमने एक नया और एक बढ़िया पोकेमोन हमने कैप्चर कर लिया, वरना फुली अनसक्सेसफुल डे मानता भाई मैं तो आज। थोड़ी देर में रात होने वाली है, शायद से मुझे अपने बेस पे वापस लौट जाना चाहिए, बट कैसा हो कि अगर मैं आज मैं रात भर बाहर ही घूमूं। यहाँ पर वैसे एक वो है, फास्ट ट्रैवल अनलॉक हो गया तो मैं वैसे भी, ओए जा जा जा, मार इसको भाई, यहाँ पर कोई लोमड़ी सी स्पोन हो गई है और मेरा वो मरने वाला है भाई। रुको, मैं भेजूंगा इसको, जा फॉक्स उड़ा दे इसको। दोनों डोगी हैं तो डेंजर, पर अभी इन्हें बताता हूँ मैं। ओ मैं मर गया, तू जा, मैं मर जाऊंगा। अबे जा, अच्छा ये मर गई ऑलरेडी। आओ फास्ट ट्रैवल कर लेना चाहिए मुझे, वो जब तक दोनों उससे भिड़ रहे हैं मुझे फास्ट ट्रैवल करके यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि मैं मरने वाला हूँ, मैं उसको जिंदा कर लूंगा। भाग कहीं भी भाग। अरे कैसे होगा ये, रहेरा, यस, भाग गया भाई, मेरे पोकेमोन निपट गए मुझे अच्छे से मालूम है, बट मैंने भाग के काफी सही करा, एटलीस्ट मैं जिंदा कर पहुंचा हूँ। ये मेरा बेस है, मैं यहाँ पे टेलीपोर्ट हो सकता हूँ। लेट्स गो, काफी ठंड हो रही है, मशाल बाहर निकाल लेता भाई। देखो पोकेमोन मर जाए चलेगा, हम मरते हैं वो दिक्कत है भाई। ओके सब कुछ एकदम ठीक चल रहा है, मेरे जो जो पोकेमोन मरे हैं मैं उन्हें यहाँ पे रखता हूँ। मेरी फॉक्स मर गई थी, मेरी रूबी जो नई पोकेमोन है भी मर गई थी, दोनों को मैंने यहाँ पे लाके रख दिया, दोनों एकदम हील होना चालू हो गए और थोड़ी देर में शायद से ठीक हो जाएंगे। बाकी यार मुझे ना अपना बेस बनाना है ताकि मैं बेड लगा के इन लोग को सुलाने उलाने का ठिकाना बना पाऊँ।